हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पायलट राहुल यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं साइको टेस्ट के चौथे टेस्ट के बारे में, जो कि मैचिंग नंबर के नाम से या ऑब्जर्वेशन टेस्ट के या फाइन नंबर के नाम से जाना जाता है। और इस टेस्ट में स्पेशली रूप से बात करने वाले हैं ऑनलाइन टेस्ट के रूप में, जैसे कि ऑनलाइन पे कैसे आप लोग देने वाले हो एग्ज़ाम, वो चीज़ मैं आपको आज लाइव इस वीडियो में पूरा का पूरा टेस्ट के माध्यम से दिखाऊंगा। तो वीडियो को अगर जो आपने आपको जो टेस्ट देना है तो आप ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और आपको टेस्ट नहीं देना है तो भी एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि कैसे एग्ज़ाम होने वाला है ये चीज़ मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के साथ साथ ये भी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली लेटेस्ट और नई जानकारियाँ आपको बराबर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, इसको प्रोसीड करना है और ये जनरल इंस्ट्रक्शन आता है वैसे करके है, और ये ऑनलाइन ऐप है ऐसे खुल जाएगा। और इसमें पूरा का पूरा ये एक चूँकि टेस्ट के रूप में बनाया गया है, तो इसमें क्वेश्चन तो बहुत कम दिए होंगे, लेकिन कैसे आएगा ये चीज़ आपको इसमें पूरा का पूरा दे दिया। जैसे कि ये कह रहा है कि दोनों अंक समूह एक से एक जैसे होंगे और उन लोगों को आपको चूज करना है कि एक जैसे आए तो उसको यस करना है और एक जैसे नहीं है तो उसको नो चूज करना है। आपको मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आपको चेक करना है कि ये दोनों मैच कर रहा है तो यस वाले को ट्रिक करिए, और मैच नहीं कर रहा है तो नो वाले को ट्रिक करना है। इसमें मैं आपको इस टेस्ट के जरिए जितना अभी इस टेस्ट में जितने भी टाइप के हैं सारे के सारे टाइप को मैं इस वीडियो के माध्यम से इसी वीडियो में बता दूंगा। तो अगर जो आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मेरी आपसे गुजारिश है, अनुग्रह है, रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आ गया है, इसको ये चेक करना है। तो चूँकि बात करते हैं पहले वाले का, तो 659 है, तो 659 ये सही हो गया, तो इसको एस वाले में ट्रिक कर देना है। ये 73845 है, 73855 है, तो इसको नो वाले में ट्रिक कर देना है। 1624, ये 1624 सही है, तो ये तीसरे वाले में यस पे ट्रिक कर देना है। चौथे वाले की बात करते हैं तो 438436 दिया है, तो ये नो है, क्योंकि 4821459 ये चीज़ ये भी गलत है, तो इसको नो वाले पे ट्रिक कर देना है। 6583121 दिया है, इसमें पहले वाले में 31 दिया है, ये भी गलत है। 16653 अब आ गया दूसरे टाइप का, तो इसमें आता है 75 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको 6 नंबर ढूंढना होता है, एक से ज़्यादा में 6 नंबर है तो आपको, एक से ज़्यादा में अगर जो 6 नंबर है तो आपको ई पे ट्रिक करना है। 5 नंबर में ई रहेगा, ए बी सी डी ई करके आपको ई पे ट्रिक करना होगा, और नहीं तो जिस विकल्प में वो नंबर आ जाता है उस विकल्प को ट्रिक कर देना है। इसमें 5 दिया होता है ए बी सी डी ई करके, अगर जो एक से ज़्यादा में आ रहा है तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, ये चीज़ बस इसमें ध्यान देना होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी ये चीज़ ढूंढना होता है कि 6 आ रहा है, पहले तो 6 ढूंढना है कि 6 किस में है, और 6 जब एक में मिल गया तो ये कोशिश करिए जल्दी से कि दूसरा 6 है, और जो 2 6 है तो इसमें ट्रिक ये चीज़ है कि अब 2 6 है तो तीसरे वाले को ढूंढना ना चाहिए, उसको अब वहीं से स्किप करके ई पे क्लिक मार दीजिए। जैसे कि पहले वाले में बात करते हैं तो ए वाले में 594592 है जैसे, और दूसरे वाले में बी है, ठीक, तो तीसरे चौथे को चेक करेंगे तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा। दूसरे वाले में बात करते हैं तो दूसरे वाले का सी में है, तो इसका आंसर
इसका मान लीजिए इसका ए बी हो गया, इसका सी हो गया, और इसका तीसरे वाले का ए हो गया, सॉरी ए हो गया, और ये चौथे वाले का डी हो गया, ठीक, चौथे वाले का डी हो गया। लेकिन ये चीज़ पांचवा वाला देखिए, पांचवा वाले का पहले में सिक्स है और ये सी वाले में तीसरे नंबर में भी सिक्स है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, पांचवे वाले का ई हो जाएगा। ये आ गया तीसरा, क्योंकि ये ऑनलाइन चल रहा है तो ये खुद आगे बढ़ जा रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए इसमें ये चीज़ है कि इसमें आपको इसको ये चारों में मैचिंग करना होता है, कौन सा मैच कर रहा है उसके आगे ट्रिक करना है। तो इस वाले का आंसर है डी, तो आपको डी वाले पे इधर डी दिया होगा, उस पर आपको ट्रिक कर देना है। क्योंकि मैं आप लोग खुद देख सकते हैं कि कैसे ये हम बताते समय ही समय समाप्त हो जा रहा है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना आपको जल्दी ये चीज़ समझ में आ जाएगी और आप उसको जल्दी जल्दी ट्रिक करते चले जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, और ये टेस्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगभग लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। ये बात करते हैं क्वेश्चन वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो ये चीज़ आ गया, और ये कौन सी दाई वाली आकृति में कौन सी बाई वाली आकृति पूर्णतः मिलती है, तो ये इसका मिल रहा है बी वाले से, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन जैसे कि लगभग ये सब तो आसान है, ज़्यादा इसमें दिक्कत फाइंडिंग नंबर वाले में होती है, क्योंकि उसमें बहुत तेज़ी के साथ उसमें ढूंढना होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी 22-23 सेकेंड बचे हैं, तो इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूं, क्योंकि जो फाइंडिंग नंबर वाले टेस्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करिए, जो सिक्स ढूंढना है तो ऊपर का जो छः वाला छः लिखा होता है उसके ऊपर का जो भाग खुला होता है उसको आप देखने की कोशिश करिए। जैसे छः लिखा है तो ये चीज़, ये इतना चीज़ आप जल्दी से ढूंढिए, ये पूरा छः ढूंढने के चक्कर में आप समय गवा। बात करते हैं अगले सेट के बारे में, तो ये चीज़ दिया है इसमें मैचिंग करना होता है, जैसे कि इस परीक्षण में कुछ चित्र क्रम से सेट ए और सेट बी में के माध्यम से दिखाएंगे, या आपको बताना है कि सेट ए में दिए गए चित्रों का सेट बी में दिए गए चित्रों के साथ क्रम के बिल्कुल समान है अथवा कुछ भी नहीं, यदि दोनों सेट के स्थान क्रम में पूर्णतः समान है तो ए होगा, यदि दोनों के क्रम में अंतर है तो बी होगा, यदि तीनों चित्रों के समान अंक क्रम में अंतर है तो सी होगा, इसी प्रकार यदि चार चित्रों के समान अंक में अंतर है तो डी होगा। तो जैसा कि इसमें हम बात करते हैं, तो ये देखिए पहले का पहले वाले में मिल रहा है, दूसरे वाले का दूसरे वाले मिल रहा है, तीसरे वाले का तीसरे में मिल रहा है, चौथे वाले का चौथे में, पांचवे वाले का पांचवे में, छठवें वाले का छठवें में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पहले का आंसर ए हो जाएगा, जैसा कि ये दिया भी है, पहले का आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे वाले इसका, तो ये देखिए पहले वाले का ये चीज़ मिल रहा है लेकिन दूसरे वाले का नहीं मिल रहा है, ठीक, तीसरे वाले का नहीं मिल रहा है, चौथे वाले का नहीं मिल रहा है, ये पांचवा वाला और छठवां, ये पांचवा और छठवां दोनों मिल रहा है, इसका तीन नहीं मिल रहा है, तो तीन बताया था कि सी होगा, तो तीन का ये इसका सी हो जाएगा। बात करते हैं इसके अगले वाले का, तो ये चीज़ एक इसका नहीं मिल रहा है, ये दो, ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तीन और ये मिल रहा है, तो इसका भी सी हो जाएगा, यानी कि इसमें तीन नहीं मिल रहा है तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अगर जो चार नहीं मिलता तो इसका आंसर डी हो जाता। ऐसे करके ये चीज़ जल्दी से आपको ढूंढना है, तो ये तो लगभग प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर जो आपने सही से प्रैक्टिस कर लिया तो ये तो बहुत बहुत आसान हो जाएगा। बात करते हैं अगले टेस्ट के बारे में, तो ये जैसे कि पहले सिक्स था अब ये नाइन आ गया है, तो इसमें 75 प्रश्न होंगे, आपको नाइन ढूंढना होगा, अगर जो एक से ज़्यादा में है तो उसका ऑप्शन ई होगा,
और जिसमें है वो उसका आंसर एक एक है तो जिस ऑप्शन में है वो हो जाएगा, नहीं तो एक से ज़्यादा में है तो उसका आंसर ई हो जाएगा। तो आपको ढूंढना ये है कि जैसे ये 9 है, ये 9 है, तो ये 9 का ये नीचे वाला पोर्शन जैसे 4, 9, 3, 5 दिया है, तो यहाँ पे आपको यहाँ नीचे से देखते जाना है, जल्दी जल्दी नीचे देखना है। ये जैसे जैसे ये दिखे 9 का, जैसे ये दिखे आपको तुरंत ये समझ लेना है कि इसमें एक 9 है। बात करते हैं इसमें, तो जैसे कि पहले वाले का बी हो जाएगा, दूसरे वाले का सी हो जाएगा, तीसरे वाले का ए हो जाएगा। अब जो आ गया, जैसे पहले वाले का बी हो जाएगा, दूसरे वाले का सी हो जाएगा, तीसरे वाले का ए हो जाएगा, चौथे वाले का डी हो जाएगा, पांचवें वाले का ये देखिए, पांचवें वाले का ए में भी है और ये सी में भी है, तो पांचवें वाले का तो लगभग ई हो जाएगा, पांचवें वाले का ई हो जाएगा और इसका डी हो जाएगा। इसका ए हो जाएगा और इसका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और पहले वाले का बी हो जाएगा। इसमें ढूंढना ये होता है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि आप 9 को ढूंढना है, तो ये 9 का नीचे वाला पोर्शन आपको सारे नंबरों में नीचे वाला पोर्शन देखते जाना है कि किस में नीचे वाले 9 का है, क्योंकि लगभग अगर जो अंक आप पहचान में आ रहा है तो 9 का ही। और ऐसे करके आपका ये पूरा टेस्ट पूरा हो जाएगा, जिसमें पहले नंबर पे था मैचिंग, ये पूरा आपका समरी आ जाएगा, एग्ज़ाम समरी कि कौन सा टेस्ट आपने कितना दिया है, ठीक, ये चीज़ आपका पूरा आ जाएगा। तो इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक चीज़ मैं और इसमें बता देता हूँ, अगर जो आपने गौर नहीं किया है तो एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए। ये नंबर मैचिंग वाला है जो पहले वाले में था, तो नंबर मैचिंग में जो चीज़ आएगा, नंबर मैचिंग में जैसे 6 नंबर आ गया, 6, 5, 9 करके आ गया, तो इधर भी 6, या फिर ऐसे करके 6, 5, 9 है तो 6, 5, 9 ही करके दे देगा, और ऐसे इक्वल करके इन दोनों को मैचिंग करना है। अगर जो मैच हो रहा है तो 1 है, मैच नहीं हो रहा है तो 9 है, ठीक है, यस है या नो है। फिर बात करते हैं इसके दूसरे नंबर के बारे में, तो इसमें आपको जो ही देखें, जैसे मान लीजिए 7, 6 ज़्यादा अंक का है, 5, 4 या 6 अंक का, इतना जैसे बड़ा अंक है कोई, तो उसमें आपको पहले वाले को तो हूबहू याद करना ही है, याद करना है पहले वाले को पूरा याद करना है, दूसरे वाले में जो ही आपको दिखे कि ये चीज़ पहले वाले में नहीं था तो वहीं से तुरंत हट जाए। जैसे कि आपने अगर जो 3 जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता देता हूँ कि 3, 5, 9, 7, 5, 4 ऐसे करके है, तो पहले वाले का तो आपने इतना पढ़ लिया है, लेकिन ये जो ही करके जैसे 3, 5, 9 ऐसे करके जो ही गए, यहाँ पे 9 की जगह पे पहले वाले में 6 था, तो इतना जो ही गए आप, तो यहाँ पे 9 की जगह पे जो ही 6 दिखा, तो यहीं आप इन तीनों को छोड़ दीजिए, ठीक है, इन तीनों को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ से तुरंत आप उसको विकल्प जाइए और जो विकल्प आपका 9 वाले में है उसको तुरंत टिक कीजिए, अब अगले स्टेप पर बढ़ जाइए। बात करते हैं नंबर मैचिंग, तो हो गया, अब नंबर मैचिंग का ये तीसरा फर्स्ट पोर्शन हो गया, ये दूसरे पोर्शन में तो मैचिंग वाला था, 1 मिल रहा है कि 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ऐसे करके था, और ये पार्ट मैचिंग वाला था, तो मैंने तो लगभग मैं पूरा का पूरा बता ही दिया है, क्योंकि मैं ये लाइव टेस्ट था, ऑनलाइन लाइव टेस्ट था, तो मैं क्वेश्चन पे पूरा का पूरा नहीं बता सका, लेकिन इसके पीछे मैंने लगभग पूरा का पूरा बता दिया है, और ये 6 का बता ही दिया, 9 का बता ही दिया, और ये जो मैचिंग पार्ट वाला था वो तो बहुत आसान है, वो तो एक दो बार सुबह शाम वो जो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 3 प्रैक्टिस करना सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाएगा वैसे आप
24 घंटे में या फिर जितना समय मिले उसमें आपको एक स्टेप करके बढ़ाते जाना है। जैसे आप अगर जो दिन में दो टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको दिन में तीन टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिएगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जाए वैसे वैसे इसको बढ़ाते चाहिएगा।